लेकिन आप वो वाहिद एक्टर हैं जो अपनी आवाज़ उठाते हैं औरतों के इश्यूज पर जी. वेयर डज दैट डिज़ायर टू स्पीक अप ऑन आवर बिहाफ कम फ्रॉम? आई थिंक के ये कोई कैलकुलेटेड मूव नहीं थी. हम मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई थी और शायद मैंने कुछ इनजस्टिसेस अपने बचपन में भी देखे हुए हैं जिसकी वजह से आई थिंक मैं काफ़ी सेंसिटिव था टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ वुमेन स्पेसिफिकली. प्लस मेरे एक दोस्त ने मुझे एक अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं कैरल हैनिश, उनका एक कोट सुनाया था और वो मैंने अपने दिल में बिठा लिया, विच इज़ दैट द पर्सनल इज़ द पोलिटिकल. तो आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं दे आर यू नो दे इंडिविजुअल इश्यूज जो हैं आपके दे आर रिलेटेड टू द सोशियो पोलिटिकल यू नो द सोसाइटी दैट यू आर यू फाइंड योर सेल्फ इन. एंड एज सच उसके जो सोल्यूशंस निकलते हैं दे वो भी उसी तरह निकलते हैं सोशल चेंज के थ्रू. और आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मैं तो बचपन से ही आर्टिस्ट बनना चाहता था, आर्टिस्ट पे तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्योंकि आर्ट की तो बहुत सोशल रेलिवेंस है. और आई थिंक कि अच्छा आर्ट क्या क्रिएट करता है, एम्पथी क्रिएट करता है इंसान में. और एम्पथी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंज, टू थिंक अबाउट वट योर सोसाइटी इज़ गोइंग थ्रू. सो आई थिंक दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता रहा हूँ और बोलता रहूँगा, क्योंकि आई थिंक कि ये एक ऐसा इशू है ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो कि बहुत प्रेविलेंट है और जिसपे सोसाइटल क्या कहते हैं तरीके से चेंज नहीं नज़र आ रहा मुझे. और हमारा जो एक्टिविज्म भी है जनरली, आपने भी देखा होगा, इट्स फोकस्ड मोर आई फील ऑन अ पॉलिटिक्स ऑफ पिटी देन अ पॉलिटिक्स ऑफ ट्रू जस्टिस. बिकॉज हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल आता है जिसकी एक कहानी हमें सुनने को मिलती है, हम सारा फोकस उसे एक इंडिविजुअल पे ले आते हैं और उनकी स्टोरी पे ले आते हैं, राइट? सो द कॉज, द अंडरलाइंग कॉज एंड द इशू, यू नो व्हाट इज रॉटन टू द कोर इन आवर सोसाइटी, उस पे हम फोकस नहीं करते. और जब वो एक इशू ख़त्म हो जाता है या रिजॉल्व हो जाता है, वी मूव ऑन ये सोचे बगैर कि क्या लॉज में क्या कमी है जिसकी वजह से एक औरत प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही, क्या मसले क्या हैं, सोसाइटल इशूज क्या हैं. सो दैट्स व्हाई आई थिंक के इट इज़, मतलब मुझे कभी कभी लगता भी है कि आप शिट्स क्रीक देखती हैं? मैं नहीं देखती, बिलाल देखते हैं. अच्छा, तो शिट्स क्रीक इट्स अ फैंटास्टिक शो, डू वॉच इट. तो मैं सीजन देख रहा था और उसमें मोयरा एक कैरेक्टर है, शी इज़ अ फैंटास्टिक कैरेक्टर. वो अपने मियाँ को एक कोट बताती हैं जो कि मेरे दिल पर जाके लगी थी, जिसमें वो कहती हैं कि बी केयरफुल लेस्ट यू सफर वर्टिगो from the dizzying heights of your moral ground. You know, तो वो ताना मारती हैं. और मैंने बीच में सोचा, बिकॉज आपने भी देखा होगा हमारी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी पोलराइज्ड है वैसे भी इशूज़ को लेकर. काफ़ी लोग चूज़ करते हैं कि वो ए पोलिटिकल रहें, वो इन मसलों में पड़े ही ना. और फिर आपने भी देखा होगा, ये तो इट्स नो सीक्रेट के काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक व्यूज़ जो हैं एयर करते हैं जी. और फिर लोग भी, उनकी फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है तो लोग भी उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं की बात को वर्ड ऑफ गॉड समझ के आगे प्रमोट करते हैं. सो मुझे कभी कभी लगता है कि यू नो क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा. आई कैन ऑल्सो चूज़ टू बी वेरी हैप्पी. आई कैन ऑल्सो चूज़ के इग्नोरेंस इज ब्लिस जो कहते हैं कि यू नो अपने काम से काम रखो. बट मेरा सीन जो ये है वो ये है कि मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बातें करता हूँ. मुझे पता है. आई थिंक कि मैंने अपने आर्ट के थ्रू रिफ्लेक्ट भी किया है, चाहे वो मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग क्यों ना हो. या अगर आप 10 साल पहले चली जाएं मेरे वीलॉग्स पे जी, तो औरतों के इशूज़ के बारे में मैंने ही बात की थी तंजिया तरीके से. यू नो चाहे वो माया खान वाला एपिसोड था पब्लिक पार्क को लेके, या वो हमारे ड्रामों में जो एक अगेन पोलराइजेशन है कि एक अच्छी औरत क्या कहलाई जाती है और एक बुरी औरत क्या कहलाई जाती है. यू नो ये चीज़ें, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं शायद कि हमारे पास वो एक्सपोजर है जी. कि हम जब रिग्रेसिव चीज़ें देखते हैं मीडिया पे, अखबार में पढ़ते हैं, तो वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. बिकॉज हम अपने आप को इनलाइटेंड और एलीट समझते हैं कि यू नो हमने दुनिया देखी हुई है, हमें थोड़ा पता है कि सिविलाइज वर्ल्ड में किस तरह एक्ट करना चाहिए, क्या है मर्दों के हकूक, क्या हैं औरतों के हकूक. बट नॉट एवरीबडी हैज़ दैट प्रिविलेज, राइट? सो समटाइम्स व्हेन यू सी समथिंग यू टेक इट एज द रियल थिंग, एज व्हाट हाउ सोसाइटी इज सपोज टू फंक्शन. तो मैंने अपने करियर के मेरे ख्याल से 2 साल बाद ये डिसाइड कर लिया था कि मैं बहुत एक्टिव कोशिश करूंगा कि स्क्रिप्ट में कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ अगर हो तो मैं नहीं बोलूंगा. अगर मेरा कैरेक्टर एक मॉरल कंपस के तौर पर स्क्रीन पर लाया जा रहा है और लाया जा रहा है. सो
फिर चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग क्यों ना हो, जानान में मैंने चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात की, बिल्कुल, एंड अब्यूज ऑफ प्रिविलेज एंड पावर की बात की कि किस तरह लोगों को पता होता है लेकिन वो साइलेंट स्पेक्टेटर बन जाते हैं, वो कहते हैं कि ये हमें इम्पैक्ट नहीं कर रहा तो हम इसके बारे में क्यों आवाज उठाएं। सो सॉरी मैं बहुत बोलता हूँ, मैंने आपको वार्न किया था। नहीं, बहुत अच्छा बोले हैं और मैंने इसीलिए आपको नहीं काटा क्योंकि आप बहुत जरूरी बातें कर रहे हैं उस्मान। मुझे भी अक्सर ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं बोलूंगी तो इसकी कॉस्ट होगी, हर चीज़ की ज़िंदगी में आपको कोई ना कोई कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। और बहुत से एक्टर्स हैं जो कहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें फिर ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए लोग नहीं आएंगे, और ये हकीकत है जी, ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि आप नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हैं तो आप अच्छे हैं और आप मतलब आपको काम मिल रहा है और आप सही सेट हैं आप। जी जी, ये तो मैं आपको बताऊं, मेरे सामने ये हो चुका है कि कास्टिंग हम एक मीटिंग में थे, हमारा एक प्ले था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारा एक प्ले था जहां पर एक्ट्रेसेस की बात हो रही थी कि आपके साथ कौन सी एक्ट्रेस होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैंने एक दो नाम लिए तो एक नाम पे टोका गया, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, इनके साथ ही हम काम करेंगे। सो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी इस बात से कि समटाइम्स बीइंग यू नो नॉट इन द सेंटर बट इन द पेरिफेरी ऑफ थिंग्स हेल्प्स यू अ लॉट। बट वही वाली बात, मैं वापस सर्कल करके उसी बात पे आऊंगा कि जब आपके पास प्रिविलेज है, जब आपके पास प्लेटफॉर्म है और जब आप देख रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में हो क्या रहा है और आप देख रहे हैं, मुझे 10 साल गुजर गए हैं यू नो एक तरह से इनलाइटेंड हुए हुए, आप जिस तरह भी कहना चाहें, मैं 10 साल से गालियां खा रहा हूं, ठीक है, बिकॉज मतलब इंसानों का यहाँ पर भी ये भी मसला है ना कि हम बहुत नेगेटिव कॉम हैं अनफॉर्चुनेटली, हम थ्राइव करते हैं लोगों की बुराइयों पे ना कि उनकी अच्छाइयों पे। इट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थिंक हमारी इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। आप इंडिया को देख लें किस तरह आर्ट को कल्टिवेट किया जाता है, मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टर्स आई एम श्योर बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है उन्हें, लेकिन एज अ क्राफ्ट आप जब लोगों को बताते हैं ना कि जी मैं एक एक्टर हूँ या मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ, तो उनकी शक्ल पे एक माथे पे शिकन आ जाती है एकदम से। और मुझे तो 2 years into my career मेरी अपनी फैमिली कहती थी कि नहीं पर what's your real job, you know, and it used to be like this is my real job, this is what I was meant to do, what I was born to do. So जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और मैंने देखा कि खास तौर पे इस इंडस्ट्री की खवातीन को लेकर जो वाहियात किस्म की बातें होती हैं और जो कि एक स्नोबॉल हो जाता है, एक कमेंट कोई कर देता है उसको 50 लाइक्स मिलते हैं, उस कमेंट में गालियां भरी हुई होती हैं, नेगेटिविटी भरी हुई होती है, 20 और लोग वही चीज़ मिमिक करना शुरू कर देंगे, एको करना शुरू कर देंगे, और मुझे इससे बहुत सिवियर इशू है क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि मेरी इंडस्ट्री को वो रिस्पेक्ट मिले जो कि किसी भी और इंडस्ट्री, टेलीकॉम में इंजीनियर को मिल रही है या किसी भी इंडस्ट्री को मिल रही है। वी आर, आप यू नो दिस, वी वर्क हार्डर देन प्रैक्टिकली यू नो, मैं खैर बहुत वो नहीं करूंगा, बट मैनी फील रोज 12 घंटे तो काम करते हैं, बिल्कुल जी। और आई थिंक लोगों की परसेप्शन पता नहीं क्या है, याद शायद मतलब इंडियन फिल्में देख के कि मीडिया क्या होता है और यू नो कि प्रोपगेट कर रहा है और इमोरालिटी प्रोपगेट कर रहा है, और यू नो जो एक्टर्स हैं वो तो अपने ट्रेलरों में बैठ के अंगूर खा रहे होते हैं, यू नो।